लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता हो गया है। दोनों के बीच 5 राज्यों में 7 चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। इसमें दिल्ली सबसे खास है। दिल्ली इसलिए क्योंकि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी 2 बार से जमी हुई है। वहीं यहां लोकसभा सीटों की बात करें तो 2014 से अभी तक 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। अब बड़ा सवाल है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएंगी। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 7 सीट में कुल 56.9% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 22.6% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट मिले थे। यानी पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत को मिला भी लिया जाए तो 40.8% वोट ही होते हैं। यानी बीजेपी के 56.9% वोट थे काफी पीछे। अब अगर अलग अलग सीटों के आंकड़ों को देखें तो चांदनी चौक लोकसभा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन को 5,19,055 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल थे जिन्हें 2,90,910 वोट मिले। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के पंकज कुमार गुप्ता थे जिन्हें 1,44,551 वोट मिले थे। हर्षवर्धन को 52.9% वोट मिले जबकि अग्रवाल को 29.6% वोट मिले। पंकज को 14.75% वोट मिले थे। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने जीत दर्ज की थी। गंभीर 3,90,391 वोटों के अंतर से जीते थे। उन्हें कुल वोटों में से 55.35% वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली थे जिन्हें 24.24% वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी की आतिशी को 17.44% वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहीं। यानी यहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट मिलाकर बीजेपी के कुल वोट से कम थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भोजपुरी गायक और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कांग्रेस के पूर्व CM शीला दीक्षित को 3,63,971 वोटों से हराया था। यहां तिवारी को 53.86% वोट मिले थे। वहीं 15 साल दिल्ली की CM रही शीला दीक्षित को 28.89% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे यहां तीसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें 13.07% वोट मिले थे। दिल्ली में जीत का सबसे बड़ा अंतर पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने हासिल किया था। उन्हें 60.05% वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को 5,76,290 वोटों से हराया था। महाबल मिश्रा को 19.92% वोट मिले थे जबकि आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह झाकड़ को 17.47% वोट मिले थे। नई दिल्ली में भाजपा की वकील मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन के खिलाफ 2,55,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्हें कुल वोटों का 54.77% हासिल हुआ था। अजय माकन को 26.91% वोट मिले थे, वो दूसरे नंबर पर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के ब्रिजेश गोयल को 16.33% वोट मिले थे। दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी के रमेश विधुड़ी आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से 3,62,000 वोटों से आगे रहे थे। विधुड़ी को 56.56% वोट मिले, वहीं चड्ढा को 26.37% वोट मिले थे। दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आपके गुगन सिंह को 5,53,000 वोटों से हराया था। हंसराज हंस को 8,48,663 वोट मिले थे। वहीं आम आदमी पार्टी के गुगुन सिंह 2,94,766 वोट हासिल कर पाए थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के राजेश लिलोठिया थे जिन्हें 2,36,882 वोट हासिल हुए थे। अगर साल 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यहां भी दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बीजेपी को कुल वोट का 46.40% वोट मिला था जबकि आम आदमी पार्टी पहली बार यहां लोकसभा चुनाव में उतरी थी और उसे 32.90% वोट हासिल हुए थे। वह दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को 15.10% वोट हासिल हुए थे और वो तीसरे नंबर पर रही थी। अब इस बार चुनाव में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।